अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गाड़ी की हीटअप के बारे में और गाड़ी का बार बार गैसकेट जलने के बारे में कि गाड़ी का गैसकेट बार बार क्यों जल जाता है। तो ये जो गाड़ी है भाई ने 2 से 3 दफ़ा गैसकेट इसका डलवा चुके हैं, तो ये गैसकेट जो है बार बार जल रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि गैसकेट गाड़ी का जब जलता है तो उसकी कोई वजूहत होती है, तो गैसकेट डालने से पहले उसका फॉल्ट जो है वो ट्रेस कर लेना चाहिए। जैसा कि रेडिएटर का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर रेडिएटर चोक हो, रेडिएटर कैप का भी मसला हो सकता है, थर्मास्टेट वाल्व हो गया उसका भी मसला हो सकता है। तो हम हेड को खोलते हैं तो उसके बाद इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे कि किस चीज़ में क्या मसला था जिसकी वजह से बार बार गाड़ी गैसकेट जला रही है। तो इसकी हेड की फिटिंग खोलेंगे, फिटिंग खोलने के बाद आपको हम चेक करवाएंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट था जिसकी वजह से गैसकेट क्रॉस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इसका तकरीबन फिटिंग खुल चुकी है हेड की, और हम इसका हेड उठा के तो आपको इसका फॉल्ट चेक करवाते हैं क्या फॉल्ट था जिसकी वजह से गैसकेट क्रॉस हो रहा है। हेड हमने खोल लिया है तो देखेंगे कौन सा सिलेंडर जो है वो क्रॉस हुआ है। हेड गैसकेट जो है वो पहला सिलेंडर जो है उससे क्रॉसिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं इस जगह से जो है सिलेंडर में पानी जा रहा है, तो हेड गैसकेट इस जगह से क्रॉस हो चुका है। ये जो दो सिलेंडर हैं ये ठीक हैं, तो जो पहला नंबर सिलेंडर है उसमें से हेड गैसकेट क्रॉस हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो पता चल गया तो कहाँ से गैसकेट क्रॉस हो रहा है। तो गैसकेट जो क्रॉस हो रहा है वो पहले सिलेंडर से हो रहा है। ये मैं आपको दिखा सकूँ, ये देख सकते हैं आपके पहले सिलेंडर से पानी क्रॉस हो रहा है। तो अब इसको चेक करेंगे कि ये गैसकेट क्यों जल रहा है, किस वजह से, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो हेड हमने खोल के अलग रखा हुआ है, तो हेड के जब चेक किया हमने तो हेड का जो फेस है वो आउट है, जिसकी वजह से हेड गैसकेट बार बार क्रॉस हो रहा है। तो हेड का फेस ना करवाने की वजह से ये गैसकेट बार बार क्रॉस हो रहा है। तो अगर आप कैंडी अगर दोबारा भी गैसकेट डालेंगे, तो अगर हेड फेस नहीं कराएंगे तो ये फिर 1000-1500 किलोमीटर तक दोबारा गैसकेट जल जाएगा इसका। तो हम अब हेड को फेस करवाएंगे, फेस करवा के नया गैसकेट फिट करेंगे और इंशाल्लाह गाड़ी ओके हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह करात से हेड को फेस करवा लिया है और हेड की फिटिंग करने लगे हैं। जैसे ही हेड की फिटिंग हो जाएगी गाड़ी स्टार्ट होगी, आपको हम चेक करवाएंगे। हेड गैसकेट को हम शलग लगा के फिट करेंगे अच्छे तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं हेड गैसकेट को हम अच्छे तरीके से शलग लगा रहे हैं। शलग लगा के हेड गैसकेट को फिट करेंगे, फिट करके हम आपको चेक करवाएंगे गाड़ी। तो कहने का मकसद यह था कि इसके अंदर जो फॉल्ट था वो हेड का फेस आउट था, जिसकी वजह से बार बार गैसकेट जल रहा था। तो कोई भी फॉल्ट हो सकता है, ये नहीं कि हेड का फेस ही हर गाड़ी का आउट हो सकता है। रेडिएटर चोक हो सकता है, रेडिएटर कैप का मसला हो सकता है, कहीं से पानी की लीकेज की वजूहत हो सकती है, फ़ैन का मसला हो सकता है। अक्सर रिले वगैरह भी ख़राब हो जाती है फ़ैन की, कभी फ़ैन चलता है कभी नहीं चलता। तो कैंडी इनका जो टेम्परेचर गेज थी उसका भी प्रॉब्लम था, गाड़ी हीट भी हो जाए तो टेम्परेचर गेज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताती थी कि गाड़ी हीट हो रही है। तो इसका जो टेम्परेचर स्विच है हम उसको भी चेंज करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से टेम्परेचर गेज प्रॉपर तरीके से नहीं बता रही। तो ये हमारे उमर साहब हैं, कारीगर हैं हमारे, तो ये फिटिंग कर रहे हैं। तो हम मुकम्मल फिटिंग करके आपको चेक करवाएंगे कि गाड़ी की क्या पोजिशन है। तो कहने का मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह हमें तसल्ली है कि उन्हें हमने इसका फॉल्ट जो था वो ट्रेस कर लिया है। पहली बात होती है कि अगर आपको फॉल्ट नज़र आ जाना चाहिए कि फॉल्ट गाड़ी के अंदर किस जगह पे, अगर नहीं नज़र आएगा ऐसे गैसकेट फिट करेंगे तो ये 1500-2000 किलोमीटर के अंदर अंदर इसका गैसकेट दोबारा जल जाएगा। तो कोई भी काम करना है तसल्ली से देखें उसको, उसका फॉल्ट ट्रेस करें और दोबारा फिर दोबारा उसके ऊपर काम करें। ऐसे हरगिज़ काम नहीं करें, नहीं तो क्लेम दोबारा आ जाएगा। जैसे इस भाई ने 2 से 3 दफ़ा गैसकेट फिट करवाया है तो रिज़ल्ट 0 का 0 था। तो इसकी टाइमिंग साइड हम फिट कर रहे हैं, जैसे ही टाइमिंग साइड फिट करके हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। गाड़ी मालकान से ज़्यादा टाइम ले लेना चाहिए, ताकि कोई भी फिटिंग है उसको तसल्ली से करें, जल्दबाजी से फिटिंग नहीं करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, हाँ आपको चेक करवा सकते हैं, ये देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है। तो अब हम रेडिएटर वाली साइड पर चलेंगे, देखेंगे इसके अंदर पानी डाल के और इसको चेक करेंगे, ये पानी उबाल तो नहीं रही गाड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट करी है और रेडिएटर के अंदर पानी जो है वो स्टिल खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो चुकी है हमारी, तो हमें किसी चीज़ की अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने इसका फॉल्ट जो था वो ट्रेस कर लिया है। इसलिए कोई भी गाड़ी आए, कोई भी काम आए, उसको पहले फॉल्ट को तसल्ली से ट्रेस करें, उसके बाद उसका काम शुरू करें। ये नहीं कि गाड़ी का गैसकेट अगर जल के आया है तो आप गैस के डाल के पर्दे को रवाना कर दें, वो 500-600 किलोमीटर करें और दोबारा वो रास्ते में खड़ा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पहले उसको ट्रेस करें कि वो गैसकेट जला किस वजह से है और दोबारा उसकी फिटिंग करें। ऐसे अगर आप गैसकेट डाल के दे जाएंगे तो वो रास्ते में बेचारा फिर खड़ा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर पानी स्टिल खड़ा है। तो हमने फ़ैन वगैरह भी इसका ऑटो किया है, तो बोतल के अंदर भी पानी पूरा है। तो अब इसका जो टेम्परेचर गेज है उसको भी चेक करेंगे, तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो चुकी है। कहने का मकसद है कि कोई भी काम करना है तो तसल्ली से पहले फॉल्ट ट्रेस करें और उसके बाद उस जो चीज़ भी खोली है उसकी फिटिंग करें।
अब हम टेम्परेचर गेज को चेक करते हैं उसकी क्या पोजीशन।